गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर पे, है ना? तो बेटा, आज की क्लास जो होने वाली है, आज हमारी क्लास चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा फन विद नंबर्स है, इसकी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है? फन विद नंबर्स जो है हमारा अब तक चल रहा है, बहुत फन किया ना इसमें हमने, ऐसे ही हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है? ये आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है। अभी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने धोनी वाली पिक्चर से शुरू किया था, है ना? हमने कहाँ से शुरू किया था? जब धोनी 96 पे बैटिंग कर रहे थे एंड कमेंटेटर्स वर वंडरिंग इफ ही कैन हिट अ सेंचुरी ऑन लास्ट बॉल, है ना? एंड सडनली ही हिट अ सेंचुरी एंड हिज स्कोर वॉज 102। याद आया कुछ, है ना? उसके बाद हमने फिर हंड्रेड्स और टेन में कितने हंड्रेड होने के लिए हमें वंस कितने रन्स चाहिए होंगे, अलग अलग स्कोर देखे थे हमने बैट्समैन के, है ना? चलो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उससे। आज हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 25 पे आ जाइए जल्दी से। तो पिक्चर में हमें आज सामने कौन दिखाई दे रही है? पिक्चर में हमें सामने दिखाई दे रही है एक दुकान, एक शॉप दिखाई दे रही है। अब शॉप का नाम क्या है? जैसे आपने देखा होगा ना, नॉर्मली नाम क्या होता है, जैसे मान लो अपनी क्लास के जैकोंग के नाम पे जैकोंग प्रोविजनल स्टोर, है ना, या जैकोंग मॉल होते हैं ना, ऐसी सबके अलग अलग नाम, ठीक है? तो यहाँ पे नाम क्या है? नाम है शॉप का लेजी क्रेजी शॉप। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मतलब ऐसा कैसा नाम होता है ये कि लेजी क्रेजी, ये तो बड़ा उल्टा सीधा सा नाम हो गया, क्या हुआ ये? तो बेटा ये लेजी क्रेजी क्यों है इसका भी हमें पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे डिस्क्लेमर, जो इन्होंने किस पे लगाया हुआ है, अपनी शॉप पे बॉक्स में इन्होंने लगाया हुआ है कि वी डील्स ओनली इन हंड्रेड्स टेंस एंड वंस। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो हम डील करते हैं ना भाई साहब, हम आपसे, अगर आप हमसे लेने आओगे ना कि हमको 20 केले दे दो या 21 केले दे दो, हम नहीं देंगे। हम क्या देंगे? अगर आप हमसे 100 केले लेने आओगे या 20 केले लेने आओगे या 1 किला लेने आओगे, है ना, या आप हमसे 100 टॉफ़ी लेने आओगे या 20 टॉफ़ी लेने आओगे या फिर 1 टॉफ़ी लेने आओगे। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत गड़बड़ है, मान लो मुझे अगर 5 टॉफ़ी लेनी है तो ये तो देगी नहीं, ये तो क्रेजी फॉक्स है और लेजी भी बहुत है कि ये कुछ और अपने नियम भी बदलने को तैयार नहीं है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन हमने निकाला है। सॉल्यूशन क्या है, पहले चलो पिक्चर में जो है वो पढ़ लेते हैं। अब सामने आपको दिख रहा होगा क्या, ये मंकी भाई साहब हैं, ये खरीदने हैं, ये इनसे क्या, इनका फेवरेट फूड क्या होता है मंकी का, गैस करो। हाँ, क्या होता है? बनाना। बनाना बहुत खाते हैं ना मंकी, तो ऑब्वियस ये बात है मंकी भाई साहब आए इनके पास, बोले फॉक्स 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 मुझे ना कितने 20 बनानास दे दो। और जनरली जब हम डॉक्टर के शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे मांगते हैं, वो बड़े ही अच्छी सी स्माइल के साथ दे देता है हमें, है ना, सामान देता है और फिर थैंक यू भी बोलता है। अभी क्या है, यहाँ पे ये जो शॉपकीपर है ये थोड़ी सी लेजी है और साथ में क्रेजी भी है, तो ये इनका जवाब आता है सॉरी, यानी कि ये मना कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वही डिस्क्लेमर कि वी डील्स ओनली इन हंड्रेड्स एंड द वंस, ठीक है? तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें आगे से इन जानवरों ने बैठ के एक मीटिंग करी कि यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जंगल में शॉप भी यही है और सामान भी इससे लेना है और ये तो बड़ी क्रेजी सी है, अपना नियम बदलेगी नहीं, तो हम एक काम करते हैं इसको ना कुछ समझाते हैं। कह रहे ठीक है। तो अब ये सारे इकट्ठा हुए, अब सबसे पहले रैबिट गया, रैबिट सबसे क्लेवर होता है ना, तो रैबिट का फेवरेट फूड हमें पता है क्या होता है, कैरेट होता है ना। तो रैबिट भाई साहब जब गए, इनको कैरेट चाहिए थी 143, बट सामने क्लियर है कि जो फॉक्स है वो किस में डील करेंगी, फॉक्स करेगी 100 के पैकेट में डील। कह रही मैं 100 पैकेट दूंगी 100 का, फिर कह रही है कि मैं 10 के भी पैकेट्स दूंगी और फिर कह रही है ठीक है एक भी ले जाना। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे रैबिट भाई साहब को ना तो 100 चाहिए, ना 10 चाहिए, ना 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 143। तो रैबिट ने इसका भी हल निकाला, कह रहे अच्छा ठीक है मैं इसका भी हल निकालता हूँ।
ठीक है, तो हम 143 जो ये इनका नंबर है, जितने उनको कैरेट चाहिए, इसको उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने ब्रेकआउट कर लिया। ब्रेकआउट किस में? वो कह रहे एक काम करो, इसको 100 में कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर इसको 40 में कर लिया, कह रहे ठीक है। फिर इसमें इन्होंने क्या कर लिया, वो 3 में कर लिया, कह रहे अब ये बताओ मुझे, आप पैकेट्स में दे रहे हो तो मुझे आप एक काम करो, एक पैकेट तो दे दो 100 का, कह रहे ठीक है ले जाओ। फिर उसने बोला कि आप जो ये 40 है ना, 40 का पैकेट है आपके पास? फॉक्स गुस्सा हो गई, कहने लगी मैंने पहले ही बता दिया है कि जो पैकेट्स में डील होगा वो 10-10 के पैकेट्स में होगा। तो रैबिट भाई साहब ने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो, तो मुझे एक काम करो, आप मुझे 10-10 के 4 पैकेट्स तो दे सकते हो ना? कह रही हाँ वो तो मैं दे दूंगी, वो तो मैं पहले से ही कह रही हूँ। कह रहे ठीक है आप मुझे 10-10 के 4 पैकेट्स दे दो, कह रहे ठीक है। अभी बात आई वंस की, 3 की, कह रही मैंने पहले ही बताया था मैं 3 नहीं दूंगी। कह रहे हाँ रुको तो सही, मैं आपसे 1 में ही लूँगा। कह रहा आप मुझे एक एक के 3 पैकेट दे दो, जो एक वाला पैकेट है, एक छोटा सा पाउच जो है आपके पास, वो आप मुझे जिसमें एक एक गाजर है, एक एक कैरेट है, वो दे दो। कह रही ठीक है ले जाओ। तो इस तरह से जब हम इसको टोटल करेंगे तो रैबिट को एक्चुअल में कितनी गाजर मिल गई, 143, इतनी मिल गई ना, इतनी कैरेट मिल गई। और इसी तरह जो क्रेजी फॉक्स थी उसकी भी शर्त अपने सिरे पे रही, क्योंकि वो चाहती थी कि भैया मैं तो पैकेट में देने वाली हूँ किसके, 100 के, 10s के और 1s के। चलो ठीक है, अब जल्दी से जाते हैं हंसी खुशी चलते घूमते रैबिट, वो जाके बताते हैं बाकी जानवरों को कि भाई जाके ना अपना अपना खाना लेके आ जाओ, मैं तो लेके आ गया हूँ। तो वो भी अब चलते हैं, सबसे पहले कौन गया, अब हाथी, एलिफेंट, ज़्यादा भूख लगी होती है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है ना। तो अभी उनका फेवरेट क्या होता है, एलिफेंट का फेवरेट होता है क्या, शुगर केन। और शुगर केन कितने चाहिए एलिफेंट को यहाँ पे, 210, ठीक है। अब इन्होंने भी वही तरकीब लगाई, इन्होंने जब ये गए दुकान पे तो क्रेजी फॉक्सी ने पूछा हाँ भाई कितने चाहिए आपको शुगर केन, तो इन्होंने बोला क्रेजी फॉक्स मुझे ना एक काम करो 210 दे दो, 210। तो उन्होंने मना कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा अरे रुको तो मैं आपको भी बताता हूँ, 210 को आप मुझे ऐसा करो 210 के पेयर में दे दो। कह रही 200 होता ही नहीं है, मैंने पहले ही बताया 100 होता है। कह रहे ठीक है मान लिया हमने आपकी बात मान ली, आप मुझे 100-100 के 2 पैकेट्स दे दो। कह रही हाँ ठीक है ले लो। कह रहे बच्चा फिर 10, कह रही हाँ 10 का पैकेट तो है मेरे पास। तो फिर क्या आया यहाँ पे, इसने यहाँ पे 2 पैकेट्स ऑफ 100 और 1 पैकेट्स ऑफ 10। तो अभी यहाँ पे पेज नंबर 23 पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें रैबिट का तो बताया हुआ है कि देखो 1 पैकेट ऑफ 100, 4 पैकेट्स ऑफ 10 एंड 3 सिंगल कैरेट्स। अब ऐसे ही हमें किसका करना है, एलिफेंट भाई साहब का, अभी हमने किया है। तो 100 के कितने पैकेट लिए उन्होंने, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है। बेटा मेरा पेन थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें क्लियर नहीं आएगा, आप क्या करना है आपको अपनी पेंसिल से ध्यान से देखना है, जब भी मैं लिखूंगा ना वो सामने बता के लिख रहा हूँ। जैसे एलिफेंट का है 2 पैकेट्स ऑफ 100 है ना, फिर बचा था 1 पैकेट ऑफ 10, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 1 पैकेट ऑफ 10। अब कहोगे सर लूज आइटम थे कुछ, वंस थे? नहीं बेटा 210 थे ना, तो हमें यहीं तक लिखना है, पैकेट्स ऑफ 100 के नीचे 2 और पैकेट्स ऑफ 10 के नीचे 1, ठीक है। अब जल्दी से फिर से आते हैं मंकी पे। मंकी भाई साहब कहते हैं यार मैं सबसे पहले गया था, फॉक्स ने मुझे तो भगा दिया, अब एक काम करता हूँ मैं स्टॉक लेके आता हूँ, पहले मैं 20 केले लेने वाला था, अभी मैं स्टॉक लेके आ जाता हूँ पूरे महीने भर का, क्योंकि ये फॉक्स तो नहीं मानेगी ऐसे, क्या पता इसका कल फिर कोई और नियम आ जाए, है ना। तो मंकी भाई साहब भाग कर गए जल्दी से और वो पहुंचे किसके पास, क्रेजी फॉक्स के पास, और उन्होंने बोल दिया कि फॉक्स फॉक्स मुझे ना 242 दे दो आप। अब कैरी क्या, क्या मेरा फेवरेट बनाना, ठीक है। कैरी ठीक है बट तुम्हें पता नहीं है मैं तो डील करती हूँ। कह रहे हाँ पता है मुझे तुम 110 और 1 में डील करती हो, तो इसके लिए क्या करना है, मैं इसके लिए भी सीख के आया हूँ। कह रही अच्छा तुम्हें भी पता है, हाँ
तो आप 242 को किस में ब्रेकआउट कर लो, कह रही मुझे 240 और 2, कह रही ठीक है, कह रहे मुझे 100 के 2 पैकेट दे दो, कह रही ये लो। उसके बाद 40, कह रही हाँ ऐसे ही तो मैंने किसको दिया था, कह रही मुझे नहीं पता तुमने, हाँ रैबिट को दिया था मैंने ऐसे ही, कह रही हाँ ठीक है 4 packets of 10 ले जाओ तुम, कह रही ठीक है 4 packets of 10 ये ले लिया, ठीक है 4 packets of 10 हो गए ये, ठीक है अभी बाकी बचे 2, कह रही हाँ हाँ इसके लिए भी ना तुम एक एक पैकेट ले जाओ, मतलब पैकेट कौन सा जिसमें एक एक बनाना हो ना वो पैकेट ले जाओ, ठीक है कह रहे हो गया, कह रहे हाँ हो गया। तो अभी हमें देखो यहाँ पे हमें 100 के कितने पैकेट लगे, 2 packets of 100, 4 packets of 10 ठीक है, और वंस कितने हुए 2, तो हमें यहाँ पे लिखना है मंकी के सामने पैकेट्स ऑफ 100 में कितने लेने हैं 2, पैकेट्स ऑफ 10 में 4, और लूज आइटम कितने हमारे पास यानी सिंगल सिंगल पैकेट 1 है, ठीक है। अब जल्दी से भागते हुए आए कौन, हमारे हिरण महाशय डियर है ना, वो आए अपनी छलांगी लगाते हुए, वो कहने लगे यार गर्मी आने वाली है और जो हरी पत्तियां ना ये सारी सूख जाएंगी, तो मैं क्या करता हूँ मैं ना अपने खाने के लिए अभी से इंतजाम करना शुरू कर देता हूँ। तो सारे जानवर कहने लगे हाँ हाँ जल्दी जाओ, वो फॉक्स जो है क्रेजी फॉक्स जो है उसके पास अभी तो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये भागकर छलांगे लगाते हुए गए और इन्होंने अपना बड़ा सा अमाउंट बताया, कितना 552, कह रहे मुझे ना क्रेजी फॉक्स मुझे 552 लीव्स दे दो। अब फॉक्स आ गई सकते में, कह रही इतना बड़ा अमाउंट, कह रहा हाँ मुझे 552 दो, कह रही तुम्हें पता है ना मैं कैसे डील करती हूँ, कह रहा हाँ मुझे पता है तुम 100 में और 10 में और उसमें 1 में डील करते हो, कह रही हाँ उसके पैकेट्स में देते हो, कह रही हाँ। तो उसने कहा कि एक काम करो 500 जो है ना तुम इसको ऐसे ब्रेकआउट कर लो 550 और 2, कह रही ठीक है, कह रहे मुझे 100 के तुम 5 packets दे दो जिसमें एक पैकेट में 100 लीव्स हों, कह रही ठीक है। अब 100 के हमारे पास कितने पैकेट आ गए, ये आ गए हमारे पास 5 packets, कह रही ठीक है ये आ गए 5 packets, कह रही फिर कह रहे मुझे 50 के अब तुम करो 10 के 5 packets दे दो, कह रही ठीक है ये लो भाई 10 के 5 packets आ गए, कह रही बस हो गया, कह रहे अभी कहाँ मुझे तो 552 चाहिए थे, कह रही हो अच्छा तो मुझे अब तुम क्या करो अब 1 के जिसमें कि 1 लीव्स हो उसके 2 packets दे दो। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हुआ 5 packets of 100, 5 packets of 10 एंड 2 packets of 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो हमारे डियर महाशय हैं इनके सामने हम लिख देंगे 5 packets of 100, 5 packets of 10 और लूज आइटम क्या है हमारे पास 1 वाले कितने हैं 2, सिंपल भाई बात ख़त्म। कह रहे ये तो हो गया हमने सामान ले लिया, बट अब तुम्हें पता है हम जब भी कोई सामान लेते हैं तो उसको हमें उसके बदले में कुछ देना होता है ना भाई, चाहे जंगल ही है बट है तो क्रेजी फॉक्स की दुकान ही ना, तो उसके बदले में क्या दोगे आप, ऑब्वियस सी बात है पैसे देंगे, ठीक है। अभी पैसे देंगे तो इसमें भी इसके बिल्कुल अलग वही नियम है, कह रही मैं ना सिर्फ 100 का नोट लूँगी, 10 का नोट लूँगी या फिर कॉइन्स लूँगी, कह रही कॉइन्स इसके वही सिंपल सा 1 का सिक्का लूँगी या 10 रुपये का नोट लूँगी या फिर 100 का नोट लूँगी, कह रहे ठीक है। अभी जो हाथी महाशय है इनका बिल आया 420। अब कह रहे हाथी महाशय कह रहे अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुमने यही सारा नियम तो सामान लेते वक्त पैकेट में दिया था ना कि पैकेट में भी तुम ऐसे ही डील कर रही थी 100 में 10 में और 1 में, तो कोई नहीं पैसे भी ऐसे ही ले लो। तो 420 को मैं कैसे दूंगा, 420 को मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा 400 और 20, तो 400 के मैं तुम्हें 100 के 4 नोट दूंगा, 100 के कितने नोट दूंगा मैं तुम्हें 4 नोट्स दे दूंगा 100 के, कह रहे संभाल के रखना बाद में मत बोलना मुझे, कह रहे ठीक है। और मैं 20 के
कह रही मैं 20 में डील नहीं करती। कह रहा हाँ सॉरी ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझसे 10-10 के दो नोट्स ले लो। कह रही ठीक है, कह रहे हिसाब ख़त्म। कह रही हाँ ठीक है। कह रही अब जल्दी से ना रैबिट को भेजो, वो सबसे पहले लेने आया था और अब तक नहीं देखे गया है। फिर भाग कर रैबिट आता है, रैबिट का कितना था बिल 143। रैबिट बोलता है अरे ये सुनो 100 में करते हैं इसको, इसको 40 में करते हैं और इसको 3 में करते हैं, और जैसे मैंने तुमसे लिया था वैसे ही ये लो 100 का नोट, 100 रुपीज़ है ना, ये मैं तुम्हें 10-10 रुपीज़ के 4 नोट देता हूँ, ठीक है। कैरी ठीक है, कैरी और बचे 3, वो नहीं छोड़ूंगी, वो भी लूँगी। कह रहे ठीक है, उसके लिए तुम एक काम करो, ये एक एक के 3 कॉइन ले लो। कह रही ठीक है डील, ये ख़त्म, इनका भी हिसाब ख़त्म। अभी आते हैं हमारे कौन, मंकी महाशय। मंकी महाशय को भी बेटा उसी तरह डील करना है। अभी ये आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे करके भेजोगे आप क्लास में, हमारे गूगल क्लासरूम में ही भेजना है। और कई बच्चों को कई बार बताने के बावजूद वो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, बेटा हमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं प्रिंसिपल सर की तरफ से कि हमें वो डाटा रिकॉर्ड आपका मेंटेन रखना है ना। कल को मान लो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं तो उसमें अगर असेसमेंट करते हैं हम आपके होमवर्क की, आपके क्लास वर्क की, तो वो हमारा डाटा होना चाहिए ना। तो उसके लिए गूगल क्लासरूम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप पे शेयर ना करके आप गूगल क्लासरूम में ही शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये आपको मंकी और डियर का जो है ये आपको खुद करना है, कितने नोट कैसे डील किए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हु एम आई मैच विद द नंबर। अब मैं इसका सिंपल सा 2 बता देता हूँ आपको, बाकी आपको करने हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं जो हमें इसमें मैच करना है बेसिकली, ठीक है। तो ए पढ़ते हैं, आई कम बिटवीन 40 and 50 एंड देयर इज 5 इन माई नेम। तो ये बोलता है, ये जो नंबर है ये नंबर बोल रहा है बताओ बताओ मैं ना 40 और 50 के बीच में आता हूँ और 5 मेरे नेम में है, यानी मेरा जो नेम है उसमें 5 है। कह रहे ठीक है, अब 40 और 50 के बीच में कौन सा आता है, सारे देखते हैं 96 आता है, अरे नहीं यार बहुत दूर हो गया, 150 वो भी बहुत दूर हो गया, 45 ये कंसिडर कर सकते हैं आता है, बट इससे आगे देखते हैं कोई और भी है क्या, 89 87 100 नहीं है, तो डन 45 इज आवर आंसर। तो आपको क्या मैच करना है, 45 कर देना है। सेकंड पे आते हैं जल्दी से, आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90। तो बोलता है कि मेरा ना नाम में 9 है और मैं 90 के बहुत ही पास हूँ। तो आप कहोगे सर 96 तो ऊपर ही है, अरे नहीं बेटा हमें सारे ऑप्शन देखने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, मैच द फॉलोइंग जब भी आए उनमें सारे ऑप्शंस देखो आप, ठीक है। हम क्या करते हैं, 96 है 90 के पास है समझ में आया, 150 नहीं बहुत दूर हो गया, 45 वो तो बहुत दूर हो गया, 89 हाँ इसको कंसिडर कर सकते हैं, 87 ये भी पास है 90 के, 100, बट 89 और 87 में से हम क्या लेंगे, हम लेंगे 89, क्यों, क्योंकि उसके नाम में ही 9 है ना, 87 में 9 थोड़ी है, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही बाकी के CDEF ये जो हैं ये आपको करने हैं, और आपको करके कहाँ भेजने हैं, वहीं पे गूगल क्लासरूम में, और अच्छे से ध्यान से मन लगा कर पढ़ाई करो, और अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है इस टाइम पे, अच्छे से हैंड वॉश करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है इस टाइम पे, है ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए ना हमारी, ठीक है बेटा। ये थी आज की आपकी क्लास, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, थैंक यू।